हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरी क्लास में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर सिक्स, जिसका नेम है प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, इस प्रोनाउन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूं प्रोनाउन होते क्या है। ये प्रोनाउन क्या होते हैं, कोई भी नंबर लिखिए, जैसे मान लो 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से अनंत तक आप चलते जाएंगे, तो ये प्लस की तरफ है, ये क्या प्लस के नंबर, और इधर क्या आएंगे माइनस के नंबर आएंगे बच्चों, -1, -2, -3, -4, इस टाइप से अनंत तक ये आपका क्या है चलता रहता है। ओके ठीक है, माइनस का अनंत और ये प्लस का अनंत, ठीक है। तो ये सभी क्या है, पूर्णांक है। अब आपको मैं बता दूं, इस पूर्णांक को आप नंबर लाइन पर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने नंबर लाइन बना दी, यहां तक लगा था ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार से ये क्या है, संख्या रेखा। इसको नाम कहता हूं मैं संख्या रेखा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इस पूर्णांक के अंदर डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 6.1 पर आ जाइए, 6.1 पर, पेज नंबर 132, पेज नंबर है 132, ठीक है। इस पेज के ऊपर देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। पहला है भार में वृद्धि। अच्छा, भार में वृद्धि हो रही है, इसका विपरीत क्या होगा, भार में कमी। ओके, बी क्वेश्चन, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, तो उत्तर का उल्टा क्या होता है दक्षिण, तो 30 किलोमीटर उत्तर का उल्टा क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर दक्षिण में, ठीक है। इसी प्रकार सी और डी आप खुद हल करोगे। नंबर दो की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं के उपयुक्त चिन्ह लगाकर पूर्णांकों में व्यक्त कीजिए। अब मैं बता दूं, जो चीज ऊपर जा रही है या पॉजिटिव चीज है उसके लिए प्लस यूज होगा, जो चीज घट रही है कम नीचे जा रही है धरती से तो वो माइनस की तरफ, माइनस का निशान लेके बैठेगी, ये प्लस ये माइनस। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ये प्लस की वैल्यू होगी, प्लस का 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है, तो ये माइनस का 800 मीटर आ जाएगा, ये ए, ये बी, ये सी। खाते में 200 रुपए जमा करना, तो 200 रुपए जमा करेंगे तो 200 रुपए क्या हो जाएगा, प्लस में, खाते में जमा हो रहा है 700 रुपए निकाल रहे हैं तो 700 रुपए क्या हो जाएंगे, माइनस का, ये इसका डी पार्ट। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है। ओके, अब है नंबर 3, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए +5 को, तो ये 4, ये +5, इस प्रकार से आप नंबर लगा लोगे सभी, +5, ये यहाँ -10 तक लिखोगे तो -10 को भी लगा सकते हो, +8, -1, -6, इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर नंबर इजीली लगा सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, जो आपको खुद को करना है, बुक में देखकर एक लाइन दी गई है उस पर अंक लिखे गए हैं, उनको देख के बताना है कि -8 पर कौन सा है, +8 पर कौन सा है, बिल्कुल बीच में होता है 0, तो ये काम आप खुद करोगे पेज नंबर 132 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका क्या है, ये भी बुक का क्वेश्चन है, बुक होगी आपके पास, उसके अंदर इजिली आप संख्या रेखा को देखोगे, उसके अंदर जो भी तापमान आ रहा है वो आप लिख देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब नंबर 6 क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवा देता हूं, बताना है कौन सी संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है, कौन सी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर है। ओके, तो ये जैसे 2 और 9 है, तो ये है 2 और ये इधर आ जाएगा 9, तो ये दूसरी संख्या 9 2 के दाईं तरफ भी है, सही बात है। अब चलते हैं -3 और 8,
here are minus 3 और इधर जाएंगे इधर क्या आएगा minus 8 तो ये minus 8 तो क्या आ रहा है बाई तरफ आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा wrong ठीक है तो ये चीज आप इसमें हल कर सकते हैं तो इस तरीके के इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आपको खुद हल करना है मैं इसमें आपको एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 8 इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है माइनस 20 से बड़े चार पूर्णांक लिखिए माइनस 20 से बड़े चार पूर्णांक तो माइनस 20 से बड़ा कौन होगा इधर चलेंगे माइनस 19 माइनस 18 ठीक है ना माइनस 18 और माइनस का 17 इसके बाद आएगा माइनस का 16 ये सभी क्या है माइनस 20 से बड़े नंबर है माइनस 18 माइनस 16 समझ आ गया ये इधर की साइड नंबर बढ़ेंगे तो हम बड़े की तरफ जाएंगे इधर घटेंगे इधर बढ़ेगा इधर क्या है घटेगा ये आपको याद रखना है ठीक है ओके अब एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूं 8 का बी आप कर लोगे अब आपको 10 नंबर क्वेश्चन कराता हूं यहां पर दो के दाईं ओर चार कदम चलें माइनस दो के दाईं ओर चार कदम तो कहां किस संख्या को पहुंच जाएंगे ये रहा भाई माइनस दो के दाईं ओर चार कदम चलना है एक दो तीन और चार कहां पहुंच गए प्लस दो पर पहुंच जाएंगे प्लस दो पर पहुंच जाएंगे ठीक है ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10वें का ए 10वें का ए क्वेश्चन है माइनस दो के दाईं ओर चार कदम चलना है तो ये रहा माइनस दो इसकी तरफ दाईं ओर चार कदम एक दो तीन चार कहां आ गए प्लस दो की तरफ आ गए इस प्रकार से 10वें के बी सी डी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और यहां पर आपकी 6.1 कंप्लीट होती है थैंक यू Thank you.